गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेटा जो नेक्स्ट आपका है अडेप्टेशन चैप्टर चल रहा है, उसमें नेक्स्ट जो अडेप्टेशन है आज करेंगे डेजर्ट अडेप्टेशन। एज यू नो कि डेजर्ट होते हैं वहाँ पे रेनफॉल क्या है, बहुत ही कम या होता ही नहीं है ज़्यादातर, ठीक है। तो उसकी वजह से जो कंडीशंस है दे आर वेरी ड्राई, ठीक है। टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, मॉइस्चर बहुत कम रहता है। तो जो एनिमल्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे हार्श कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है। फर्स्ट जो अडॉप्टेशन है वो है वाटर गेटिंग एंड वाटर कंजर्वेशन। वाटर तो ज़्यादातर नहीं होता, जो एनिमल्स हैं वहाँ पे वो टोटली दे आर डिपेंड ऑन द वाटर प्रेजेंट इन देयर फूड, और यू कैन ऑल्सो से सैप ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। तो वहाँ जो फूड में वाटर है कंटेंट उसी पे वो डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो एक तो ये अडेप्टेशन कर ली उन्होंने कि उनका जो मेटाबॉलिज्म है टोटली डिपेंड ऑन द वाटर विच इज़ प्रेजेंट इन द फूड, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि जो एनिमल्स हैं वो वाटर कंजर्व भी करते हैं, ठीक है। तो कंजर्व मतलब जो उनका ब्रेकडाउन है, केमिकल ब्रेकडाउन है, उसमें क्या है वाटर का जो यूज़ है, जैसे कि फीकल मैटर है, दे आर वेरी ड्राई, दे हैव नॉट प्लेंटी ऑफ वाटर, ठीक है, टू वॉश देयर फीकल मैटर। तो एक तो ये मेजर जो है उनका अडेप्टेशन है। अभी आपने कैमल्स देखे, उनका क्या है हम्प होता है, वहाँ पे क्या है वो ग्लाइकोजन है वो स्टोर करके रखते हैं इन द मसल्स ऑफ दैट हम्प, ठीक है। फैट स्टोर्ड होता है, उसको वो जब भी उनको ज़रूरत होती है तो वो जो फैट है ग्लाइकोजन की फॉर्म में वो यूज़ कर लेते हैं, ग्लाइकोजन प्लस फैट, ठीक है। तो एक तो ये उनका अडेप्टेशन है, ठीक है, जस्ट टू कंजर्व द वाटर, ताकि बार बार उनको उसको वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती इसलिए। नेक्स्ट है डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस में टेम्परेचर है जो हाई रहता है, ठीक है, वेरी भी करता है, रात को बहुत ठंड रहती है और दिन में ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली जो वहाँ पे एनिमल्स हैं उन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया हुआ है। रात को वो रॉक्स में या सैंड में बरोस बना के रहते हैं, ठीक है, ठंड से बचने के लिए, और दिन में भी शेल्टर या ऐसे कोई उन्होंने मतलब अपने ठिकाने बनाए होते हैं छुपने के लिए फ्रॉम द हार्श क्लाइमेट। बाकी सैंड वहाँ पे जो आते हैं हवाएं चलती है उसमें सैंड बहुत रहता है, ठीक है, उस सैंड को अवॉइड करने के उनके जो नॉस्ट्रिल्स हैं, आईज हैं, ईयर ओपनिंग्स हैं डेजर्ट एनिमल्स में, वहाँ वो बहुत बड़े बड़े दे आर कवर्ड बाय द फाइन हेयर्स, ठीक है, और पिने वगैरह होते हैं उनके जस्ट टू अवॉइड द एंट्री ऑफ द सैंड इन देयर सेंस ऑर्गन्स, राइट। तो एक तो ये है। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव कलरेशंस, ठीक है, अपने प्रेडेटर्स से बचने के लिए, ठीक है, उन्होंने जैसे डेजर्ट वाले एनिमल्स होते हैं उनके कलर बहुत ब्राइट होते हैं, ठीक है, वो जैसे ही उनका बैकग्राउंड होता है वैसा ही वो अपना कलर चेंज कर लेता है। विनोम होते हैं, विनोम मतलब पॉइजनस ग्लैंड होते हैं फॉर द डिफेंस पर्पसेस, ठीक है। स्पीड बहुत फास्ट होती है क्योंकि वहाँ पर सैंड है, ठीक है, उसके ऊपर जैसे स्नेक्स वगैरह काफ़ी स्पीड से वो मूव करते हैं, इवन सम ऑफ द लीजर्ड ऑल्सो, तो स्पीडी मूवमेंट भी उनका एक अडेप्टेशन है। हार्ड स्पाइनी स्किन है, जैसे डेजर्ट इंसेक्ट्स है, लीजर्ड्स है, ठीक है, तो वो भी एक डिफेंसिव डिवाइस है अपने प्रेडेटर से बचने के लिए। तो ये सारी अडेप्टेशन है इन केस ऑफ द डेजर्ट एनिमल्स, ठीक है। नेक्स्ट जो जबकि अडेप्टेशन है सेकंड, दैट इज़ अ डीप सी अडेप्टेशन। डीप सी अडेप्टेशन मतलब जो सी के बॉटम में रहते हैं एनिमल्स, उनका कैसा है अपने एनवायरनमेंट की तरफ अडेप्टेशन उनके। तो डीप सी में ज़्यादातर डार्कनेस होती है, ठंड रहती है, हाई प्रेशर रहता है, ठीक है, लैक ऑफ वेजिटेशन रहती है, तो ये सारी एनवायरमेंटल कंडीशंस है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली क्या है वहाँ का फौना है, जो वो वहाँ पे फौना होता कैसे, इंसेक्ट्स होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, ठीक है, तो मसल्स, इकाइनोडॉम्स, शार्क, रेज, ऑल दीज आर काइंड ऑफ फौना इज प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द सी। नाउ कम्स टू द अडेप्टेशन। बॉडी क्या है, वेरी स्मॉल एनिमल्स रहते हैं बॉटम पे,
ठीक है, वीक होते हैं, वेरी पुअर न्यूट्रिशन होता है, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पे कुछ खाने के लिए होता नहीं, तो उसका पुअर न्यूट्रिशन की वजह से ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाती, जैसे कि शार्क होती हैं, हाई एनिमल्स, वाटर एनिमल्स होते हैं, वैसे नहीं होते। आईज़ हैं वो ब्लाइंड ही होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑल द टाइम डार्कनेस रहती है। ठीक है, ल्यूमिनेंस होते हैं, ल्यूमिनेसेंट क्या होता है, उनके बॉडी में से ही थोड़ी बहुत जो लाइट है मेटाबॉलिज्म के थ्रू निकलती है, उसको ल्यूमिनेसेंस कहते हैं। ल्यूमिनेसेंस एनिमल्स भी मिलते हैं वहाँ पे, क्योंकि और तो सोर्स ऑफ लाइट है नहीं वहाँ पे, सनलाइट तो पहुँचती नहीं। नेक्स्ट है कलरेशन। कलरेशन में भी ज़्यादा वैरायटी नहीं होती, क्योंकि दिखना ही है तो कलर भी क्या है। तो ज़्यादातर जो कॉमन कलर्स मिलते हैं वहाँ पे बॉटम पे, रेड, ब्राउन, ग्रे एंड ब्लैक। ठीक है, जॉज हैं जो वीक जॉज हैं, क्योंकि वहाँ प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप ही नहीं है। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, हाई रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन रहता है वहाँ पे। ठीक है, मतलब जो एग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, शेल्स एंड स्केल्स, जो डीप सी एनिमल्स इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके जो साथ में होते हैं शेल्स रहते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी क्या डेलिकेट है, अपने आप को प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने अपने जो बॉडी के सराउंडिंग में शेल्स बनाए हुए हैं, जैसे शंख होते हैं, आपने अपने मंदिर में देखा होगा, इट इज़ ऑल्सो अ वन ऑफ द शेल ऑफ द एनिमल मलस्क। ठीक है, तो मलस्क एक एनिमल है, वहाँ उसका क्या है, शेल है, तो शेल वगैरह स्केल्स वगैरह प्रेजेंट रहते हैं। तो ये तो है डीप सी अडेप्टेशन। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ अडेप्टेशन, इट इज़ अ पैरासिटिक अडेप्टेशन। ठीक है, पैरासिटिक अडेप्टेशन में क्या है, पैरासाइट, पहले तो ये समझो क्या होते हैं पैरासाइट। वो एनिमल्स होते हैं जो किसी दूसरे के ऊपर, एनिमल के ऊपर फीड करते हैं, उसका बना बनाया खाना लेते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से उनका बहुत ज़्यादा जो है चेंज रहता है अडेप्टेशन या मॉर्फोलॉजी में, बॉडी मॉर्फोलॉजी में। एक तो वो बहुत ही सिंप्लीफिकेशन होते हैं, सिंपल होते हैं, लॉस, उन्होंने कहीं जाना नहीं, मूव नहीं करना, एक बार अपना प्रे ढूंढा, उसके ऊपर चिपक गए और वहीं से खाना लेते रहते हैं। तो ज़्यादा घूमना फिरना नहीं, इसलिए उनका जो अपेंडिजेज है वो भी नहीं होते, लॉस ऑफ अपेंडिजेज या लॉस ऑफ लोकोमोटरी। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होता, सेंसरी ऑर्गन्स भी नहीं होते, एडहेसिव ऑर्गन्स हैं वो होते हैं। ठीक है, एक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन होती है, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, अपनी प्रोजेनी को आगे कंटिन्यू करने के लिए जो एग्स प्रोडक्शन है न्यू यंग वंस की, बहुत ज़्यादा मतलब नंबर होता है। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि उन्होंने किसी और एनिमल के अंदर जीना है, इसलिए वहाँ पे उनको फ्री ऑक्सीजन नहीं मिलती, इसलिए वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं फॉर द रेस्पिरेटरी प्रोसेस, दैट्स व्हाई दे आर एनारोबिक रेस्पिरेशन एनिमल्स। ठीक है, तो ये तो है इसके पैरासिटिक अडेप्टेशंस। तो ये आपके हैं अडेप्टेशंस कुछ, तो ये आपने कर लेनी है बेटा। ठीक है, अच्छे से, अगर जो मैंने करवाई हैं इससे अलावा भी और भी दी हुई हैं अडेप्टेशंस, जो आपको इजी लगती हैं बेटा, जो आप अच्छे से कर पाओगे वो आप कर लीजिए। ठीक है, तो वैसे इतनी बहुत हैं, आप ये सारी की सारी अच्छे से लर्न करो। अडेप्टेशन लास्ट चैप्टर है ऑलमोस्ट आपका प्रदीप्स की बुक में, तो वहाँ से ये आपने कवर करना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।